बाबूजी। अभी ऐसा कुछ नहीं भइल बा कि आप इतना हताश होते। सब कुछ ठीक हो जाए, हम आपके साथ हैं। ये सब काम केजी के बा, उहे आपके पीछे पड़ल बा। वो आपके नुकसान पहुंचा के आपके बर्बाद करल चाहता, लेकिन ओकरा के मालूम नहीं बा कि आपके बेटा सम्राट अभी जिंदा बा। बाबूजी, आप काम की चिंता छोड़ दी, हमारे पास कई प्रोजेक्ट बा, हमने दोनों साथ मिल के काम कर लिया। अरे आप सब ये तरीका है देखा दानी, एक बाप के बुरा वक्त में उकर बेटा काम नहीं आई तो के काम आई। विधि के खेल निराली, अनहोनी होनी हो जाला, सात जन्म के बाद भी आपन अपने से मिल जाला। क्या सोच रहे हैं? तुमको नहीं लगता है आशु, कभी कभी परिस्थिति बस आदमी वो बन जाता है जो कभी वो सोचा भी नहीं होता है। अब देखो ना, हम इस शहर में सिविल इंजीनियर बनकर आए थे, बड़ा खुश थे जब हमको नौकरी मिला था। उन्हीं दिनों हमारे सेठ के बिल्डिंग का काम एगो गुंडा की वजह से पूरा नहीं हो पा रहा था। हमारा भी फ्यूचर जुड़ा था उस प्रोजेक्ट से, शालू को पढ़ाना था, घर चलाना था, बस यही सब सोच के वो गुंडा से हम भिड़ गए थे। बड़ा बलवान होता है आशु, वो गुंडा हमरा हाथ से मारा गया। होनी बड़ा बलवान होता है आशु, वो गुंडा हमरा हाथ से मारा गया। हम बड़ा डरा गए थे, लेकिन हमरा सेठ ने हमको बचा लिया। उसने हमको बहुत सारा पैसा भी दिया, उस पैसे से हमने तुम्हारा लिए, शालू के लिए खुशियां खरीदी। तुम लोग के चेहरे पर आई चमक और खुशियां मैं खोनी नहीं देना चाहता था। हम अपने सेठ का हर गलत काम करते गए, करते करते गुड्डू से गुड्डू भैया बन गए। हमको लगा कि हम बहुत सुखी हैं, तुमको खुश रखा है, शालू को ढेर सारी खुशियां दी हैं,
लेकिन हम गलत थे, हम बहुत गलत थे आशु। जिस बहन के लिए हमने इतना कुछ किया, जिस पर हमको इतना घमंड था कि वो हमारा दिल कभी नहीं दुखाएगी, उसी ने हमको धोखा दिया। जिस गुड्डू भैया से पूरा शहर डरता था, जिसका हर बात मानता था, उसी की अपनी बहन ने उसको ठेंगा दिखा दिया। इंसान का किया देर सवेर उसके सामने जरूर आता है। पैसा और ताकत के घमंड में आप भूल ही गए कि भगवान की अदालत में बुरे कर्मों का फल जरूर मिलता है। जिस बहन के लिए आपने इतना कुछ किया, उस बहन ने कहा दिया आपको, हाँ उम्र भर के लिए वो खाओ जो शायद कभी भर ही ना पाए। इतना दिन तक हमको एहसास तक नहीं हुआ कि आपके पैसे से जौन रोटी हम बना कर खा रहे हैं, वो रोटी किसी के आंसू, किसी के खून, किसी के दर्द से बनी है। बहुत तकलीफ होता है दिल को। हमको ये सब सुख सुविधा नहीं चाहिए था, हमको आपका प्यार चाहिए था, सिर्फ प्यार, एगो सच्चे और अच्छे आदमी का प्यार। को अफसोस है आशु, लेकिन हमने जौन कुछ भी किया तुम लोगों के लिए किया, शालू की खुशी के लिए किया, तुम्हारा खुशी के लिए किया। हाँ लेकिन गलत तरीके से पैसा कमा के का हासिल हुआ है देख लीजिए। अगर शालू के शरीर में आपके मेहनत और ईमानदारी का कमाया नमक खून बन के दौड़ रहा होता तो शायद शालू वो नहीं करती जो आज उसने किया है। यही घटना से सबक लीजिए, आंखें खोलिए, छोड़ दीजिए सब बुरे काम। सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो भूला नहीं कहलाता। क्या हर इंसान अपने परिवार को खुश करने के लिए गलत ही काम करता है? नहीं ना, फिर आप ये सब बुरे काम छोड़ कर तो देखिए, हम पहले से भी ज्यादा सुखी हो जाएंगे। शायद ठीक कह रही हो आशा, हमको भी एहसास है, पिछले कई दिनों से हम भी कुछ ऐसा ही सोच रहे हैं। आज के बाद ही गुड्डू भैया फिर से गुड्डू बन के जीने का कोशिश करेगा। आशु, हम वादा करते हैं हम आज के बाद कोनो गलत काम नहीं करेंगे। हम जानते हैं कि शरीफ बन के जीने में हमको थोड़ा दिक्कत जरूर आएगा, लेकिन हम पूरा कोशिश करेंगे। हम काले से काम खोजना शुरू कर देंगे।
केजी सेठ। गुड्डू भैया आइए ना, गुड्डू भैया बैठिए। भैया जी, हमको बुलवा लिया होता आपने, आपने कहाँ कष्ट किया। लगातार फिर पैसा मांगे आए, टेंडर मिले के खबर लगातार एक रह के मिल गए। केजी भाई वो कहा है कि हम समझ गए गुड्डू भैया, आपके कमीशन का सारा पैसा हम बहुत जल्दी आपको भिजवा देंगे। और नहीं नहीं केजी भाई, अब हम यहाँ कुछ और काम से आए थे। अरे भैया जी, जितना भी पैसा है आप मुंह से बोल दीजिए ना, हम मान लेंगे। हिसाब किताब दिखाने की कहाँ जरूरत है। अब नहीं केजी सेठ, इसमें हिसाब किताब नहीं है, इसमें हमारा बायोडाटा है, कुछ सर्टिफिकेट है हमारा क्वालिफिकेशन का, हमने सिविल इंजीनियरिंग किया है उसका भी सर्टिफिकेट है इसमें, और हमको इस काम का अनुभव भी है। लेकिन भाई जी, ये सब आप हमको कहाँ दिखा रहे हैं। इसलिए कि हम यहाँ आपसे काम मांगने आए हैं। हम सही कह रहे हैं केजी भाई, वो कहा है कि हम आपका ऑफिस में सिविल इंजीनियर की पोस्ट के लिए नौकरी मांगने आए हैं। अरे गुड्डू भैया, कहाँ हैं आप हमसे मजाक कर रहे हैं। अरे जिसके कदमों के धमक से पूरा पटना शहर कांपता है, वो हमसे काम मांग रहा है। अरे गुड्डू भैया, आप तो इतने सामर्थ्यवान है कि आप हम जैसे लोगों को काम पर रख सकते हैं। वो सब पुरानी बातें हैं, इस समय आपके सामने गुंडा माफिया दबंग गुड्डू भैया नहीं, बल्कि एक आम इंसान सिविल इंजीनियर गुड्डू बैठा है। हमने अपने सारे गलत कामों से तौबा कर लिया है, छोड़ दिया है गुनाहों की दुनिया को, हम एक शरीफ आदमी की तरह जीना चाहते हैं। अभी तो आप हमारी फाइल देख लीजिए, और अगर आपको लगता है कि हम आपके कंपनी में नौकरी करने के लायक हैं तो हमको ये नौकरी का बड़ा जरूरत है।